आईन विभाग एक्सपोज्ड, राज्य सरकार एक्सपोज्ड, श्रीमंदिर प्रशासन एक्सपोज्ड, भक्तों भावाबेग सह खेल चलचल, रत्न भंडार खोलिबाकु राज्य सरकार को नहीं आंतरिकता, मरामती नक चारि वर्ष धरी चुप बसी राज्य आईन विभाग, अर्गस हाथ में लगला एक्सक्लूसिव दस्तावेज। आरटीआई रो रिपोर्ट ही प्रमाण करुची रत्न भंडार मरामती पाई चारि वर्ष हेबो आईन विभाग तत्परता देखाई नहीं। 2018 एप्रिल 4 तारीख में रत्न भंडार स्थिति अनुध्यान करने को जाइथिबा 17 जनिया प्राधिकृत टीम पहाड़ रत्न भंडार स्थिति दुर्बल थिबा जानिबा को पाइथिले। रत्न भंडार पोजिशन पर काली चीफ मिनिस्टर मध्ये जणैछन्ती जे सेतरे रिपेयर आवश्यकता रहिछि आउ समस्तक संगे आलोचना करके केमिति यार रिपेयरिंग पे प्लान करा जीवो, कारण ता पूर्व जो आमर बेसिक कमिटी फर्दर स्टडी पे मानसून समय स्टडी करेंगे। 17 जन प्राधिकृत टीम ए संपर्कित रिपोर्ट श्रीमंदिर प्रशासन को हस्तांतर करथिले। रिपोर्ट रे स्पष्ट उल्लेख थिला रथयात्रा समय रे किंबा मौसमी वर्षा समय रे पुनः जांच करा जीवो, किंतु यह भितर पांचोटी रथयात्रा एवं अनेक मौसमी वर्षा अतिक्रम कर सारी। गला 4 वर्ष मध्य रत्न भंडार मरामती नहीं श्रीमंदिर प्रशासन को कौनसी भी चिट्ठी लिखा जाए ना। रत्न भंडार मरामती और संरक्षण नित्यांत जरूरी या जाणी सत्वे आईन विभाग कौन पदक्षेप न नेवा मरामती करने चिट्ठी न लिखा यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक। मुख्यमंत्री निजे ए हस्तक्षेप करूँ। आईन विभाग विषय ओडिशा सरकार चाहती रत्न भंडार न खोला जाऊ, रत्न भंडार भुशुड़ी जाऊ, मूल माइले जीव सरी देवसाय किंपा गळी। आईन विभाग अधीन रही श्रीमंदिर एवं रत्न भंडार 2018 एप्रिल 4 तारीख में रत्न भंडार जांच रिपोर्ट सरकार एवं आईन विभाग पाखरे उपलब्ध थिबा बेले वर्तमान सुधा मरामती दिगरे राज्य सरकार किंबा आईन विभाग तत्परता देखाउनांती। तेबे बड़ प्रश्न काहीकि रत्न भंडार खोलिबाकु कुंतु कुंतु राज्य सरकार। प्रत्येक 3 वर्ष रे थरे रत्न भंडार खोली सुना अलंकार गणति एवं मणति करिवार नियम रहिछि, हेले 37 वर्ष मध्यरे थरुटिए भी खोला जाय नाही। 1985 मसीह रे शेष थर पई रत्न भंडार खोला जायथिबा बेले 1978 मसीह रे शेष थर पई रत्न अलंकार गणति करा जायथिला। 18 मसीह रे मध्य जो रिपोर्ट आसीछि हतरिना कमिटी गले से मध्य कहिले जे ताबि स्थिति दुर्बल एवं स्थिति पानी खसुछि बीम मध्य खसुछि अवस्था रे, तो से तथ्य एवं से स्थिति आसिला परे मध्य आईन विभाग गोटे चिठी लिखला नाई एवं जहाँ आरटीआई तथ्य ए पलि आसला ता संपूर्ण खुलासा कर देछि। राज्य सरकार जाणिकिरी रत्न भंडार न खोलिबा पई बोधे ता एक प्लानिंग करछन्ती। रोल है वो हमारे पास नहीं, एएसआई पास रिक्वेस्ट आएगी कि रत्न भंडार का इंस्पेक्शन करके असेसमेंट करे, कंजर्वेशन नीड्स को पहचान स्टडी करे और कंजर्वेशन करे, तो एएसआई विल टेक अप द वर्क ऑन द प्रायोरिटी बेस। को रिक्वेस्ट आना चाहिए टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेशन से क्योंकि वो तो लॉक इन की में है, वो लॉक इन की वहाँ से हमें रिक्वेस्ट आना चाहिए कि आके इंस्पेक्ट करो इस तारीख को करो, तो मैं अपनी पूरी जो एक्सपर्ट टीम है वो लेकर हाजिर होगा इंस्पेक्शन करने के लिए। रत्न भंडार स्थिति अनुध्यान करी रिपोर्ट दाखल करने को हाईकोर्ट आमिकस क्यूरी को निर्देश देती। किसी दिन पूर्व गजपति महाराजा दिव्य सिंहदेव रत्न भंडार मरामती जरूरी बोली प्रतिक्रिया रखिथिले, हेले नीता विष्णु आईन विभाग। बड़ प्रश्न काहीकि रत्न भंडार खोलिबाकु सरकारक डर, सुरक्षित अछित महाप्रभु रत्न अलंकार। पुरी रो वीडियो जर्नलिस्ट सनातन आलोक आस्तोष को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।